एनसीबी ने जिस तरीके से पूछताछ किया है, जी हाँ, जिस तरीके से कड़ी पूछताछ के बाद अंकुश अनेजा, अनुज केसवानी और करमजीत सिंह जो ड्रग्स पेडलर हैं, ये गैंग, इनसे कड़ी पूछताछ के बाद एक नाम जो सामने आया था क्षितिज प्रसाद का, जी हाँ, क्षितिज प्रसाद का नाम सामने आया और अब क्षितिज प्रसाद को फाइनली कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हाँ, वो पहले ही हिरासत में थे, उनसे करीब करीब 24 घंटे से ऊपर 24 घंटे से ऊपर की पूछताछ हो चुकी है और अब फाइनली उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, क्षितिज प्रसाद को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की प्रक्रिया जो होती है, गिरफ्तारी के बाद की जो प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। यानी कि जो एनसीबी की जो जांच टीम है, अब कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं करण जौहर के पार्टी वाले मुद्दे पर आ रहा है। जी हाँ, धीरे धीरे जिस तरीके से क्षितिज का गिरफ्तार किया गया, क्योंकि क्षितिज एक ऐसा बंदा है जो कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ड्रग्स जो कनेक्शन है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी का जो कनेक्शन है, प्रोवाइड करने का जो गैंग है, जो प्रोवाइड कराने का जो होता है, कहीं ना कहीं उसको कोको पार्टी से भी जोड़ा जा रहा है और 2019 की जो करण जौहर की जो पार्टी हुई थी उसमें से भी ड्रग्स प्रोवाइड का जो ड्रग्स हीरोइन की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये क्षितिज का नाम बहुत ही बड़ा सामने आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से एनसीबी ने छापा मारा था क्षितिज के घर पर और घर पर उसके पास हरीश और एमडीएस की जो ड्रग्स जो होते हैं, दो तरीके का ड्रग्स बरामद किया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई थी कि इससे अब बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहा है और अब क्षितिज को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी उससे पूछताछ कर रही थी, कई सारे सवाल थे, लेकिन उसने वो टोल मटोल करने लगा, बातें इधर उधर करने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये अनुज केसवानी है, करमजीत है और अंकुश, जो गिरफ्तारी पहले हो चुकी, जो पेडलर के गैंग में जो गिरफ्तारी पहले हुई थी, उनके चैट में कहीं ना कहीं क्षितिज साफ साफ बातें करते हुए, ड्रग्स की लेन देन की बातें करते हुए साफ साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी के आधार पर जो क्षितिज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना है कि जब क्षितिज धर्मा प्रोडक्शन में पहले असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम कर रहा था, अब देखना है कि धर्मा प्रोडक्शन पर क्या गाज गिरने वाली है इसको लेकर। और कहीं ना कहीं अब जो 2019 की जो पार्टी है करण जौहर की, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा अब दिक्कत देने वाली है। तो फाइनली ये हो चुका है कि अब क्षितिज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जो प्रक्रिया होती है, कहीं ना कहीं जेल में डालने वाली जो प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। और अब कितने दिन के लिए हिरासत में लिया गया, यानी लिया गया, ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन उसे हिरासत में ले लिया गया है।